गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड द टॉपिक इज चैप्टर 14 द लिटिल प्लांट। सो इसमें एक लिटिल प्लांट के बारे में बताया गया कि लिटिल प्लांट कैसे वो बड़ा होता है, कैसे उसको एटमॉस्फेयर चाहिए रहता है। ओके, सो एंजॉय दिस पोएम। इन द हार्ट ऑफ अ सीड ब्यूटेड डीप सो डीप अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप। जब हम कहीं सीड उगाते हैं, मतलब कहीं लगाते हैं, तो कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में ये अच्छे से बताया गया। तो इन द हार्ट ऑफ अ सीड ब्यूटेड डीप सो डीप, एक सीड को हम मिट्टी बहुत सारा ब्यूटेड डीप सो डीप मतलब बहुत सारा उसको खोद के उस सीड को अंदर डालते हैं। अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप, उसके बाद वो प्लांट जो है बहुत दिन तक सोता है, अंदर में वो रेस्ट करता है। ओके, वेक सेट द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट, वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट। तो सन उसको फिर बोलता है कि अब तुम्हारे उठने का समय आ गया है, अब तुम्हारे फलने फूलने का समय आ गया है, सो अब तुम सोना बंद करो और उठो। वो ऐसे आवाज़ में बोलता है, ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट। उसके बाद वो उसमें पानी डालता है ना, जो क्लाउड रहता है, बादल रहता है, वो पानी की बूंदे डालता है उसमें। द लिटिल प्लांट हियर एंड इट रोज टू सी वॉट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट टू बी। उसके बाद लिटिल प्लांट सुनता है और धीरे से उस मिट्टी से बाहर आता है और देखता है पूरे संसार को कि वाह कितना सुंदर दुनिया है, हमारा वर्ल्ड कितना सुंदर है, ऐसा वो सोचता है और फिर वो खिलने लगता है। सो इस पोयम में आपको एक लिटिल प्लांट के बारे में बताया गया है कि वो किस टाइप से वो उगता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल सेंड यू द PDF ऑफ होमवर्क एंड यू विल हैव टू डू इट बाय टुमारो। थैंक यू।